अप्रैल के महीने में अब दो क्रांतिकारी तारीखें हो गई हैं। पहली तारीख है 14 अप्रैल, क्रांति बीज बोधिसत्व विश्व रत्न बाबा साहब का जन्म दिवस, क्रांति बीज का जन्म दिवस, और 2 अप्रैल उस क्रांति बीज का टेस्ट चेक परीक्षण, यानी कि जो क्रांति बीज बोया है वो अब कहाँ तक पहुँचा है उसका परीक्षण। 2 अप्रैल में जो पिछले साल देश ने देखा वो सही मायने में एक तरक्की की घटना है। देश का जो युवा है वो परिवर्तन की दस्तक दे रहा है। देश का सबसे कमजोर युवा जो दुनिया में के लिए कुछ करना चाहता है, देश के लिए कुछ कर चाहता है, वो भी संविधान के अनुसार, वह काम मांग रहा है, वह चाहता है कि उसका देश चीन से आगे निकल जाए और वो इतनी मेहनत करे कि दुनिया उसको सलाम करे। वह मोबाइल और कंप्यूटर पर देश और दुनिया की तरक्की करना चाहता है। वो मोबाइल और कंप्यूटर पर दुनिया का काम करना चाहता है, मगर उसके मोबाइल और कंप्यूटर पर आते हैं सेक्स, लालच, हिंसा, मारधाड़ और फ्रॉड की सामान। वो अपने मोबाइल का और अपने कंप्यूटर का देश के लिए इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। वह पढ़ लिख कर सभ्य आदमी बनना चाहता है और उसे दी जा रही है असभ्यता की मिसाल और नाउम्मीदी। वह देशभक्त है और उसे दी जा रही है जाति भक्ति की तालीम। वह राष्ट्रधर्म निभाना चाहता है और उसको व्यक्तिगत धर्म में धकेला जा रहा है। अर्थशास्त्री बताते हैं कि पिछले साल जो 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ, 2 अप्रैल का जो परिवर्तन हुआ, वो लगभग 10 लाख करोड़ रुपए के आंदोलन के बराबर है। समाजशास्त्री बताते हैं कि ये सारा का सारा आंदोलन सिर्फ नॉर्थ एरिया में यानी उत्तरी भारत में हुआ, अगर ये दक्षिणी भारत में या साउथ इंडिया में भी होता साथ साथ, तो ये विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन अपने आप में माना जाता और ये विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या का एक आंदोलन विश्वव्यापी कहलाता। मीडिया के लोग बहुत चक्के और हक्के बक्के रह गए। मीडिया की पूरे जीवन की लाइफ में, जब तक भी भारत में अब तक रिपोर्टिंग हुई है, पहली बार ऐसा हुआ कि ना कोई नेता, ना अभिनेता, ना कोई कम्युनिकेशन, ना ही कोई संगठन, ना ही कोई किसी तरह की ब्यूरोक्रेसी, ना ही कोई पैसे का इन्वॉल्वमेंट, और लोग अपने आप अपनी कठिनाई और परेशानी के लिए एक साथ सड़कों पे आ गए, और वो भी बहुत शांतिप्रिय तरीके से। कुछ लोग कहते हैं कि भारत के जो लोग हैं वो मृत हो गए हैं, अब उनमें क्रांति और परिवर्तन की कोई लालसा नहीं है। उस 2 अप्रैल की घटना के बाद उन्होंने अपना ये विचार छोड़ दिया और उन्हें ये पता चल गया कि भारत के लोग मृत नहीं हैं। कुछ नेताओं को भी एहसास हो गया कि उनकी नेतागिरी में कोई दम नहीं है, लोग बिना नेता के भी अपनी मांगे अपने आप आ सकते हैं। ये बहुत बेहतर स्थिति है क्योंकि युवाओं ने नेताओं का दामन छोड़ दिया। 13 शहादत हुई और हजारों जेल हुई। शांतिप्रिय कार्यक्रम को अशांत किया गया। बाबा साहब अंबेडकर, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले, जगत गुरु बुद्ध की धरती और बुद्ध की क्रांति में खून नहीं बहता और ना ही खून बहाया जाता है। आप शांत रहे, ये आपकी कामयाबी रही। आने वाले 2 अप्रैल में भी आप शांत रहें, एक शांत जगह देखकर शहीदों को नमन करें, किसी नेता के उकसावे में या बहकावे में ना आए। शाम 8 बजे के आसपास एक मोमबत्ती, एक दिया, जो भी उपलब्ध हो वो जलाकर किसी कोने में, घर के दरवाजे पे, छत के ऊपर, कहीं भी उसको रख दें। हो सके तो उस दिन शाम का खाना ना खाएं और चूल्हा भी ना जलाएं। 13 लोग शहीद हुए। विश्व शहीदी दिवस के बराबर ये दिवस है। हजारों जेल हुई। कम से कम हम उनके परिवारों को एक एहसास करा सकते हैं कि हम आपके साथ हैं,
हमारे भाई हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं, इतना सुकून और इतना एहसास भी उनमें एक जज्बा भर देगा और एक जो मायूसी आसपास कहीं थोड़ी बहुत होगी वो भी दूर कर देगा। कम से कम इतना करें, हर व्यक्ति जो मोमबत्ती या जो एक दिया जलाए वो उसका एक फ़ोटो खींचकर अपने रिश्तेदारों अपने मित्रों को व्हाट्सएप पे फेसबुक पर डाल दे। इससे और भी लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि शहीदों के लिए जो सम्मान दिया जाता है, जो कृतज्ञता दी जाती है, जो आदरांजलि दी जाती है, जो कृतज्ञता उनके लिए प्रेषित की जाती है, उसमें हम भी साथी हैं। बाकी समय आपका आने वाला है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था 21वीं सदी मेरी होगी। इस मैसेज को, इस संदेश को 8 बजे 2 अप्रैल को मोमबत्ती जलाने का, दिया जलाने का और शाम का खाना ना खाने का, उपवास करने का, उपोषित करने का, आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करें, अपनी वीडियो में रिकॉर्ड करें, अपने किसी बच्चे से रिकॉर्ड कराएं या व्हाट्सएप पे लिखें, सारी भाषाओं में लिखें, सारी भाषाओं में इसको रिकॉर्ड कराएं और 2 अप्रैल से पहले पहले कोशिश करें सारे मीडिया चैनल और सारे लोग इसको एक दूसरे को फ़ोन करके या कैसे भी पहुंचाएं। क्योंकि 1 साल लगभग हो गया है, कम से कम इतना फ़र्ज तो निभाना चाहिए। देश के 13 बच्चे शहीद हुए हैं, देश के 13 बच्चों ने अपनी जानें दी हैं हमारे लिए। एक छोटा सा फ़र्ज, एक समय खाना छोड़ने का और एक मोमबत्ती जलाने का, सिर्फ इतना सा फ़र्ज निभाने से उन परिवारों को बहुत अच्छा महसूस होगा। धन्यवाद।